ये तो सब एक जैसी जगह दिख रही। कुछ तो गड़बड़ है। खैर चलो पढ़ाई करते। हाँ तो बंटी, तुम सूरज के ऊपर ऐसे सुनाओ। सर मेरे को नहीं आता। डफर स्टूडेंट्स। हाँ नू, तुम ताजमहल कब बना बताओ। अरे सर, उस टाइम पे तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, आप ऐसा कैसे सवाल पूछ रहे हो। सर डफर ही मेरी क्लास में भरे हुए है क्या। सर हम सब में सबसे ज्यादा टैलेंटेड छोटू ही है। अच्छा, कपड़ों अटका रहे बुरी गत को ले। चलो छोटू, तुम ताजमहल के ऊपर ऐसे सुनाओ। अरे सर, मुझको ताजमहल के बारे में कुछ नहीं आता। नहीं सुनाओगे तो तुम ही। सब बच्चों ने कहा है कि छोटू ही बहुत टैलेंटेड है। अरे सर, मुझको सिर्फ बैल के बारे में आता। नहीं नहीं, तुम ताजमहल के बारे में ही बताओगे। हाँ ठीक है सर, बोलता मैं। ताजमहल एक बहुत पुरानी इमारत है। पुरानी होने की वजह से उसके आजू बाजू घास उग गई है, और वो घास को खाने एक बैल आता है। और बैल की चार टांग होती है। बैल के दो कान होते हैं। बैल की दो आँख होती है। बैल को एक दूध होती है, और बैल दूध भी देता है। कौन सा ऐसे सुना रहा बे? इसमें तो सिर्फ बैल है, ताजमहल का है। चलो आप सूरज पे सुनाओ। ठीक है सुनाता हूँ। सूरज की रोशनी जमीन पर बहुत तेज पड़ती है, जिसकी वजह से पूरी घास जल जाती है। और जब वो घास को खाने के लिए बैल आता है, बैल को चार टांग होती है, बैल को दो कान होते हैं, बैल को दो सींग होती है, बैल को दो आँख होती है, बैल को एक दूध होती है, और बैल दूध भी देता है। अरे इसमें से फिर सूरज गायब कर दिया, सिर्फ बैल ही दिख रहा। चलो पहाड़ के ऊपर सुनाओ। हाँ ठीक है सुनाता सर। मेरे मामू का बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर मेरे मामू की खेती है। मेरे मामू की ना खेती में हल चलाने के अस्त दो बैल है, और बैल के चार टांग होती है, बैल की दो आँख होती है, बैल की दो सींग होती है, बैल के दो कान होते हैं, बैल की एक दूध होती है, और बैल दूध भी देता है। इसमें क्लास की छुट्टी। सर गायब हो गए, मेरे को लगता है सर ने छुट्टी दे दी है।